अब पहुंच गए हैं कनाडा की सबसे बड़े शहर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर शहर, सबसे फेमस शहर, दुनिया के सबसे फेमस शहरों में से एक टोरंटो। और एयरबीएनबी पहुंच गए। रात का बज रहा है 10:12 हुआ है, तो आज तो खैर वैसे भी कुछ देखने का प्लान था नहीं। हम लोग यहाँ सेट हो गए हैं और कल निकलेंगे टोरंटो घूमने। कल और परसों आपको दिखाएंगे टोरंटो प्लस नियाग्रा फॉल्स। जो हमने एयरबीएनबी बुक किया है तो जो रूम मिला है वो बेसमेंट वाला है, बहुत क्यूट सा है, अटैच वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, सेपरेट एंट्रेंस है और हमारे बजट में है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। बजट बता दो। $200 दो रात का है। पिछले वाले एयरबीएनबी से ज़्यादा अच्छा है ना ये? वे बेटर। एक्चुअली वो ओल्ड मॉन्ट्रियल का पार्ट था ना, तो वो घर भी ओल्ड स्टाइल के ही थे। ये हो गया अपना वॉशरूम, बाहर वॉशर ड्रायर भी है और सेपरेट एंट्रेंस है अपना पूरा बेसमेंट का। हम लोग बाबा रेस्टोरेंट में आए हैं जो कि हमारे एयरबीएनबी से 10 मिनट्स की दूरी पे है, उसकी वॉक की दूरी पे है। जो खाना है वो माय गॉड इज एक्सट्रीमली यम्मी। हमारी कानपुर स्टाइल आलू टिक्की आ रही है एंड देन चिकन टिक्का मसाला विद इंडियन स्पाइसेस एंड गार्लिक नान, लच्छा पराठा एंड गार्लिक नान। आज हम टोरंटो में हैं और ये है हमारा एयरबीएनबी जहाँ हम लोग 2 दिन स्टे करेंगे और बहुत ही अच्छा घर है, बहुत ही अच्छा घर है। अब हम लोग यहीं पास में टिम हॉर्टन जो है वहाँ पर जा रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं। हालांकि क्लाउडी है लेकिन उतना थिक क्लाउड नहीं है, उजाला अच्छा खासा है। ओह ओ देखो ये मेपल ट्री, देखो ये वाला कितना बड़ा मेपल ही है ना, रेजिडेंशियल एरिया है तो घर काफी अच्छे अच्छे हैं। एंड टुडेज ड्रेस चेक इज दिस, आज हम दोनों ने रेड पहना है। तो लकीली हम लोगों का जो ये एयरबीएनबी है वो यहाँ का जो सबसे बेहतरीन पार्क है हाई पार्क, उससे 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। अभी भी हम लोग जहाँ टिम हॉर्टन जा रहे हैं वो बिल्कुल हाई पार्क के बगल में, बट हाई पार्क हम लोग आज नहीं जाएंगे। आज हम लोग बाकी की चीज़ें टोरंटो डाउन टाउन, टोरंटो आइलैंड्स और मे बी एक आध पार्क जैसे ट्रिनिटी बेलवुड पार्क है वहाँ जाएंगे, मे बी सीएन टावर जाएं या मे बी एक्वेरियम जाएं। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा और बहुत यू नो हमें उतना पसंद नहीं आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं, हमें ये भी बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ के जो घर हैं ये पूरा रोड जो है हाई पार्क वाला ये ऐसे नीचे जाता जा रहा है और घर ऐसे ऊपर जाते जा रहे हैं, घर के महल हैं सारे। अच्छा हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है, बस वही थोड़ा सा कैनेडियन वाला बिहेवियर ला रहे हैं हम लोग, कॉफ़ी ले लेके चलने वाला है, वैसे फिर से चल के कुछ पिया नहीं जाता है लोगों का। एक्चुअली ये फेवरेट है, आप सुबह सुबह निकलो स्पेशली विंटर्स में, बड़े बड़े मग्गे लिए रहेंगे कॉफ़ी के और सब अपना लॉन्ग कोट पहन के कॉफ़ी पीते पीते सब ऑफिस जाते हैं।
ये सारे नज़ारे, ये पत्ते और ये सीएन टावर का बैकड्रॉप, तो ये सब जो आप देख रहे थे ये ट्रिनिटी बेलवुड पार्क है, वहाँ पर ही है सारा। जब पहुँचे थे हम लोग को तो एकदम से लगा कि यार क्या है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा था कि कुछ है भी यहाँ कि नहीं। बट बेसिकली थोड़ा सा धूप निकली और थोड़ा हम लोग और घूमे घामे, तो यहाँ पर अच्छे खासे कलरफुल पत्ते हैं। ये देखो, जैसे ये देखो, बेसिकली हम लोग जो सोच के आए थे कि ऑटम कलर्स देखने हैं, एकदम मन भर के है। कैसा लग रहा है धूप निकलने के बाद? बहुत अच्छा, इसलिए अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सीएन टावर जाएंगे। हाँ, सीएन टावर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से फिलहाल जा रहे हैं एवरग्रीन ब्रिक वर्क्स, देखते हैं कैसा रहता है। हम लोग एवरग्रीन ब्रिक वर्क्स पे आ गए हैं। तो जैसे ही आप बस से उतरते हो तो अंदर आप आओगे ब्रिक वर्क्स के पीछे की तरफ, तो यहाँ पर आपको ट्रेल्स सारी मिलेंगी और फॉल कलर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखते हैं कैसा रहता है। हम लोग अब एवरग्रीन ब्रिक वर्क से बस पकड़ के आ गए हैं डाउनटाउन और सीएन टावर के पास। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सीएन टावर जाएंगे ऊपर तक, और बिल्कुल ऊपर तक। हाँ, थोड़ा कॉस्टली है, आई थिंक $62 के आसपास लगता है सबसे ऊपर जाने का, बट जाके देखते हैं कैसा है। Thank you.
आ जाता है। ओवरऑल जो है वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, और कैलगरी वाले से के कंपेयर में अगर मैं देखूं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर हमें लेक का भी व्यू मिलता है और बिल्डिंग्स भी यहाँ की बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, ऊपर से अच्छी देखने को मिलती हैं। हम लोग स्काई पॉड तक भी गए, तो मेन ऑब्जर्वेशन एरिया से, और 33 स्टोरीज ऊपर रहता है वो। $10 और एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन आई थिंक वो वर्थ नहीं है इतना। हम लोग जाते हैं, कुछ खा लेते हैं यहाँ। चिपोटले करके एक मैक्सिकन ग्रिल है, वहाँ पर ही जा रहे हैं। पूजा लेके जा रही है, पहुँचा दोगी? फेरी टर्मिनल आ गए हैं, जैक लेटन फेरी टर्मिनल। ये लेते हैं चल के टिकट्स। अभी थैंक्स गिविंग के बाद से यहाँ का विंटर शेड्यूल चालू हो गया, तो फॉल शेड्यूल नहीं रहा, तो अब सेंट्रल आइलैंड के लिए फेरी नहीं है, तो हम लोग इसलिए वॉर्ड आइलैंड जाके देखेंगे। ये है बोर्ड वॉक, ये देखो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र है, बट है ये लेक ओंटारियो, और ये पूरा ऐसे बोर्ड वॉक इन्होंने बनाया हुआ है पूरा आइलैंड के सर्कुलर फॉर्म में। अब हम लोगों को लगता नहीं है कि हम सिटी लाइट्स चालू होने तक यहाँ रुक पाएंगे, क्योंकि 8 o'clock तक, I think हम लोग के हिसाब से 7:30, हाँ वो आ गई फेरी, 7:30 के आसपास जो है लाइट्स वगैरह चालू होंगी। अभी भी बिल्डिंग्स में लाइट नहीं जल रही हैं, बहुत ही कम। हाँ, और ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, तो रुकना आई थिंक सही नहीं रहेगा। निकलते हैं, अभी और भी एक आध चीज़ आपको दिखाएंगे, और फिर कल तो नया ग्रह जाना ही है, द नया ग्रह।